सरयू घाट 8 नंबर के पास में ही बाबा जी का आश्रम है। अभी लगभग जो है बाबा जी से मेरा दोबारा मुलाकात है, पहला मुलाकात में बाबा जी से कुछ बात नहीं कर पाए, तो चलिए आज हम मिलाते हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक चीजों को बाबा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जय सीताराम जी। बाबा जी आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। हम राजेंद्र दास के संकट मंदिर सेवा के पुजारी मान कुछ भी जान लीजिए, क्योंकि हनुमान जी की सेवा में है और इन्हीं के चरणों में अपना समय कट रहा है, वहाँ भजन होता रहता है भगवान का। अच्छा। तो बाबा जी आप मने गृहस्थी से हैं कि सन्यासी बाबा हैं? हम गृहस्थी से थे। अच्छा, और सन 2018 को हम विरक्त हो गए हैं। अच्छा, हनुमान जी की सेवा में आ गए। अच्छा, तो कैसे मन में आया बाबा जी जो कि आप जो है सन्यासी बाबा बन गए? देखिए पहले तो हम 20 साल से लगभग अयोध्या रह रहे थे। अच्छा, और गृहस्थी काल में रहते हुए सब बच्चे, हमारे 3 बच्चे 3 बेटे 1 बेटी। अच्छा, उसके बाद में सब बेटी की शादी हो गई और तीनों बेटे जो है अपना ये भगवान के कार्य में सब लगे रहते हैं। अभी शादी ब्याह उनकी इच्छा के ऊपर है। अच्छा, और हम यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं, आने जाने वालों की सेवा करते हैं, जनता जनार्दन का जो कुछ हमसे बनता है। तो बाबा जी आप जो है कथा करने के लिए कौन कौन सा राज्य अभी तक गए हैं? अभी कथा करने के लिए तो हम अपना जो है देहात क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। बिहार अभी गए हैं? हाँ बिहार गए हैं एक बार। बिहार एक बार गए हैं, पूर्वी चंपारण मोती। कितने दूर दूर के श्रद्धालु आपसे जुड़े हुए हैं बाबा जी? हमसे बिहार है और जो है कि अब जित जो कोई यहाँ आ जाता है, जान लीजिए सरजू का किनारा ही है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, सबका सेवा सम्मान होता है और जान लीजिए कि जो कोई आता है सब हमसे जुड़े ही हैं। जी तो बाबा जी जैसे यहाँ पे जो मेला, जैसे जो भी श्रद्धालु नया आते हैं तो आप बताएं बाबा जी कि कहाँ कौन कौन सा जगह पे वो दर्शन करें, सबसे पहले कहाँ पे करें? अब तो सबसे पहले जो है राम जन्मभूमि में भगवान विराजमान ही रामलला जी सरकार, और हनुमानगढ़ी हमारी है, हनुमान जी वहाँ विराजमान है साक्षात। कनक बिहारी जी का दरबार है, वहाँ भी भगवान साक्षात विराजमान। अयोध्या में तो जान लीजिए सब पौराणिक स्थल हैं, हैं पुराने स्थान हैं, नए भी स्थान सब हैं, लेकिन सब पुराना जो है यहाँ का तो सब रामायण में ही वर्णित है। सब अयोध्या की लीला ही रामायण में है। तो सब स्थान यहाँ पे सब पौराणिक ही है। जान लीजिए जैसे हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, और जो है कि दशरथ समाधि हो गया, सूर्य कुंड हो गया, भरत कुंड हो गया, सब अयोध्या क्षेत्र में ही। अच्छा, अयोध्या से 10-12 किलोमीटर है भरत कुंड, जहाँ भरत जी ने तपस्या किया था, भरत जी की तपोस्थली है। और हाँ इस समय तो भाई अयोध्या में बाबा जी आप रहने वाले भी अयोध्या का ही? हाँ अयोध्या क्षेत्र के, अयोध्या से 20 किलोमीटर हमारा जो है जन्म स्थान है, कुचेरा बाजार पड़ता है, वहाँ पे जमुआ एक गांव पड़ता है। आश्रम में कैसे आना हुआ बाबा जी? इस आश्रम में आप कैसे रहने लगे? आश्रम में हम पहले जो है कि यहाँ पे महाराज जी के साथ में सेवा भाव करते रहे, यहाँ पर रह करके पहले हम 20 साल से अयोध्या में रहते थे गृहस्थी से। अच्छा, तो यहाँ पे सब बच्चे बच्चे पढ़ते थे हनुमानगढ़ी के पास में, वहाँ पे रहते थे कमरे लेकर के, और यहाँ मंदिर में सेवा करने के लिए हम आते थे। गुरु जी के सानिध्य में अपना सेवा करते थे लोगों की। फिर उन्होंने जो है जब उनका समय थोड़ा सा शरीर थोड़ा जर्जर हुआ, पुराने बुजुर्ग हुए, तो उन्होंने कहा महाराज जो है कि हम इसको सौंपना चाहते हैं आपको। तो हमने कहा ठीक है महाराज, जो है जो हमसे बनेगा अपना करेंगे। तो उन्होंने जाकर के हमें 11-12-2018 को यहाँ जो है मंदिर का तकरूर सरबराह का अनुरोध कर दिया। आप यहाँ पे महंत भी हैं बाबा? हाँ। कितने लोग अभी आपसे जुड़े हुए हैं बाबा जी? कितने चेला आपके पास हैं? जैसे विवेकानंद बाबा जी हैं, और कितने भी ऐसे चेला? अब इसमें हमारे पास में जैसे कि वैसे तो जान लीजिए कि 100-150 चेले हैं, समझ रहे हो? जैसे विवेकानंद बाबा जी के? अच्छा, विवेकानंद जैसे यहाँ पे जो विद्यार्थी। अच्छा, हाँ विद्यार्थी कम से कम 10-12 विद्यार्थी हैं, 12 आते जाते जो गुरुकुल में पढ़ते हैं। हाँ संस्कृत? हाँ, संस्कृत में। अच्छा, और लोग बाबा जी संस्कृत का शिक्षा गांव के बच्चे लेना चाहते हैं आपके माध्यम से जुड़ के? तो कोई किसी का भी बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म यानी किसी भी जाति का है, तो हम उसको अपने आश्रम में रखते हैं। जो चाहता है वो पढ़ाने के लिए, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यानी जैसा भी वो पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ाएंगे। और जो है कि उसको संगीत क्लास भी जोड़ते हैं, और जितना जो इच्छा के रहे। अच्छा बाबा जी, अभी आपके पास श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आप करके रखते हैं बाबा जी? यहाँ पे क्या सुविधा उनको मिलती है आपके पास? अब उनको जो है यहाँ पे जो हमसे हो सकता है भोजन प्रसादी और रहने ठहलने का जो कुल है, कंबल वगैरह सब कुछ मिलता है अपना जो कुछ है सेवा में। हाँ हनुमान जी की कृपा जो कुछ।
आगे आपका क्या बाबा, आपका जो उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य था वो क्या था बाबा जी, वो पूरा हो गया क्या? हमारा लक्ष्य ये है कि बस समाज सेवा करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जो कोई है उसको भगवान के रूप में देखना जी, और भगवान का ही स्वरूप मनुष्य रूप है जी, और बस मानवता के साथ में उसकी सेवा हो, और अध्यात्म क्षेत्र में सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते, लोगों की सेवा करते करते, बस जीवन में सरजू के किनारे बीत जाए, बस यही इच्छा है। तो साथियों अभी जो हम बाबा जी से आपको बात कर पाएंगे, एक बाबा सन्यासी बाबा भी हैं और महंत जी, महंत भी हैं बाबा जी, जो हनुमान जी के सेवा में रहते हैं, और तमाम दूर दराज के श्रद्धालु भी बाबा जी से जुड़े हुए हैं। जो भी श्रद्धालु बाबा के नाम पे यहाँ पे आते हैं तो बाबा जी उनको जो है रहने का व्यवस्था, प्रसादी का व्यवस्था करते हैं, और सभी चीज़ों का बाबा के पास में एक। हमारा नाम राजेंद्र दास है जी, श्री संकट मोचन संतोष घाट स्थान। तो ये बाबा का परिचय हुआ, और फिर जैसा होगा हम कभी फिर बाबा से आएंगे।